हेलो, तो कितने फ्रेंड हो? जल्दी आओ तो फटाफट, दो तीन मिनट पे बात करनी है। तो सारे फैमिली मेंबर जल्दी आ जाओ। राठौर नागार्जुन, राहुल जे डी पी, विजय एम जे रॉक, आकाश, प्रेम सोलंकी, सुनील गुप्ता, तपस पॉल, यूनिस भाई, यो, सेवन स्टेलेस, एस के सैफुल, अरुण यादव, तिलिक आदित्य राज, समीर रिजवी, सरवार एस के, नलिनी कांता दास, विनीत जायसवाल, रुबेल मजुमदार, दुर्गेश गिरी, तपन कुमार पांडा, साईवाल दास, मेहुल मच्छी, अजीत पॉल एसआर, विकास साहू, माही कनजिया, साहिब ग्रेस राही, उमा शंकर बेहरा, पवन माली, मोहम्मद मुख्तर, चंदन कुमार दास, कुंवर अभिजेंद्र सिंह गौर, भारत ननवानी, सुप्रिया मित्रा, ओमी यादव, कृष्ण बेदर्दी, पार्थ सारथी, स्टाइलिश राहुल, शिव शंकर दास, विश्वजीत आरबी पॉल, एचडी दीप, एमडी सलमान खान, गोपाल सरनिक, दीपक प्रधान, रुपम घोष, साहिब ग्रेस राही, लव यू ऑल, खुशी प्रवीण, सागर मलिक। चलो बात करते मैटर। तो कुछ आज मूड मेरा थोड़ा सा अजीब है। मूड मतलब गुस्सा में भी हूँ और अच्छा भी, मजा नहीं आ रहा। पूछो क्या। फेसबुक में मैं आया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास सिवाय लगभग 80,000 फॉलोअर्स से। मतलब 80,000 मेरे हुए थे 5 साल, 4 से 5 साल की मेहनत में 80,000 फॉलोअर थे। और 124 122 लगभग फोटो अपलोड किया था। सब फोटो में मेरे स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, 1,500, फिर 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 15,000, ऐसे करते करते मेरे हर हर एक फोटो में लाइक्स थे। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, तब मेरी इमेज मतलब 80,000 फॉलोअर तक मेरी आईडी मेरे तक हुई थी। और फिर उसके बाद मेरी आईडी से बहुत कुछ, राज की बात बता रहा हूँ, सुनो अच्छे से। मेरी आईडी से कम मैं 60 से 70 फेसबुक किंग को मैं मैसेज किया था, जब मेरी 80,000 थी। और सब मेंबर को, सब किंग को मैसेज किया था, उसमें लिखा हुआ था, भैया मेरा 80,000 फॉलोअर हो गया है, मुझे भी आप अपने सब ग्रुप में ले लीजिए ना, कसम से रियली बात कर रहा हूँ, ऐसा मैसेज किया था। और सब किंग अपने में धुन में, अपने धुन में, कभी कोई किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था, कुछ भी नहीं, और ऐसा कुछ होता था, ठीक है। और वीआईपी एडिंग पोस्ट है सब, वो सब 3-5 तो बहुत सारा था ही, आप लोग जान ही रहे हो, मेरे आने के बाद ही सब कुछ बदला। चलो फिर मैं सोचा एक छोटी सी फैमिली बनाता हूँ, छोटी सी फैमिली। मैं उस टाइम फैमिली बनाने का नहीं सोचा था, फेसबुक में जब 80,000 था तो मैं ये सोचा था कि यार जैसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इतने साल से, कई लोग सपोर्ट करते होंगे, और सपोर्ट तो एक दूसरे को करते हैं, लेकिन उनको उनका जो सक्सेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता होगा, जैसे मुझे नहीं मिल पाया। तो फिर मैं सोचा यार पहले तो एक पहले यूट्यूब चैनल बनाया, एपी स्टोर, तो एपी स्टोर बनाया। और उसमें मैं सोचा अब इसमें क्या चीज़, अब मतलब जनरली कोई भी वीडियो बनाता है क्रिएटर तो ये सोचता है कि उसको आता क्या है, कि क्या चीज़ आता है कि भाई उसी हिसाब से वो वीडियो बनाए। तो मैं सोचा यार मैं इतने साल तक तो फेसबुक चलाया, फेसबुक के बारे में जितना नॉलेज है अगर मैं किसी के साथ शेयर करूंगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चालू किया। और मैं एक छोटी सी मतलब लगभग मेरी 33,000 सब्सक्राइबर थे, जो भी वीडियो देखता था सब्सक्राइब करता ही था, क्योंकि जान रहा है कि हाँ रियलिटी, यहाँ पर रियल चीज ही मिलता है। 33,000 सब्सक्राइबर थे। मैं सोचा यार चलिए अब ट्राई करते हैं, छोटी सी फैमिली बनाते हैं, वहीं आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ताकि भाई धीरे धीरे नाम बढ़ेगा सबका। तो 3,000 फ्रेंड साथ दिए 33,000 सब्सक्राइबर में, और वही 3,000 जो फ्रेंड साथ दिए थे आज 3 लाख हो गए। 3 लाख, इतनी बड़ी फैमिली हो गई जिसपे। तो
तो मैं बस ये सब क्यों बता रहा हूँ, आगे सुनो। YouTube चैनल में मैं वीडियो डालता हूँ, आप लोगों को मैं अर्निंग दिखाया था, लगभग 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार रुपये महीना YouTube से मिलता है मुझे, और उससे पहले ज़्यादा मिलता, लेकिन मेरी 180 वीडियो, जिसको मतलब एक एक वीडियो आप लोग समझ रहे हो कितना मेहनत से बनाया था, रात के 5 बजे 4 बजे तक, कितने सारे लिंक्स कहाँ कहाँ से, मतलब एक एक चीज ट्रिक कितना मेहनत से बनाया था, मेरे 4 साल का मेहनत का वीडियो पूरा का पूरा डिलीट हुआ। किसकी वजह से मैं बताऊं, किसकी वजह से, जो आप लोग की वजह से यार। पूछो क्यों, क्योंकि आप लोग को मैं सपोर्ट दे रहा था, और बाकी लोग नहीं चाहते थे कि सोनू राजपूत आपकी मदद करे, इसलिए मेरी इतनी मेहनत की पूरी वीडियो डिलीट हो गई। फिर भी मैं हार नहीं माना, मेरे लिए बहुत सारा उल्टा सीधा ऐसा ऐसा हरकत तो किया गया, मतलब रिपोर्ट कॉल पे धमकी, और बाकी तो आप जान ही रहे हो कितने सारे अश्लील वीडियोस, तो ये सब सब कुछ किया गया, गाली गलौज सब कुछ, फिर भी मैं हार नहीं माना, और मैं बस जो काम कर रहा था सबकी हेल्प करना वो करता ही रहा। इंस्टाग्राम आप लोग देखते देखते आप 3.5 लाख फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम की, उस पे आप खुद जान रहे होगा कि मुश्किल से 30-35 मेरे फोटो होंगे, बाकी मतलब 1,050 पोस्ट में 1,000 पोस्ट सिर्फ आपके होंगे। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। उसके अलावा आपका पोस्ट डालना चालू किया, टाइमलाइन पे मतलब मेरी फोटो के ऊपर आपकी प्राथमिकता दिया, टाइमलाइन स्लो किया, और मतलब आपको फॉलोअर बढ़ाने का सिखाया, मतलब हर एक चीज सिखाया, हर एक चीज। फिर क्या हुआ, ये सब मैटर मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी बताता हूँ। कुछ कहने का मतलब ऐसा है, कुछ ऐसे फ्रेंड का नाम मैं बोल रहा हूँ जो कि खुद में उनको बस सिर्फ यही लगता है कि वही है बेस्ट, बाकी कोई नहीं है। मैं सिर्फ उन फ्रेंड की बात कर रहा हूँ जिनको सिर्फ यह लगता है कि सिर्फ वही बेस्ट है, बाकी कोई नहीं है, तो ये बात भूल जाते हैं कि फैमिली 3 लाख फॉलोअर से ज्यादा की है। और यहाँ बस कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं 30 लोगों को जानता हूं तो यार आप ही बेस्ट हो, नहीं, यहाँ मैं हमेशा ये चाहता हूँ यार, मैं हमेशा नॉर्मली सोचू, मैं भी तो चाहता कि मेरे दो चार फ्रेंड होते, या किसी मतलब किसी फ्रेंड से मैं बात करता, कुछ गर्ल से बात करता, बॉय से बात करता, मैं सब कुछ अपनी मतलब मैसेंजर से लेके हर एक चीज आप लोगों के लिए क्यों कुर्बान करके रखा हूँ, इसलिए रखा हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि मेरे क्लोज फ्रेंड नहीं है जो सपोर्ट करता है वही है, ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्यों पता है, क्योंकि अगर मान लो मैं आप लोगों को एक काम के बाद बताता हूँ, लाइफ में बहुत काम की चीज है, बात को सुनिए अच्छे से। लाइफ में ना नए दोस्त बनाने से बढ़िया है पुराने जो दुश्मन है ना उनसे दोस्ती कर लो, ये कहने का मतलब समझो इस बात को, क्या कहना मैं चाहता हूँ। मेरे ऊपर कितना प्रेशर रहता हुआ आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा, मेरी जगह आप हो 2 मिनट के लिए, और इसको सोचो आप कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर रहता होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने किसी को दोस्त बनाया, सपोज मान लो किसी को मैं दोस्त बनाया, और फिर वो लड़का दोस्त मेरा और मेरे को बोलेगा सोनू यार तू टाइमलाइन रोक देना यार मैं फोटो डालूंगा, चलो मैं कुछ भी करके यार दोस्त है, मैं बोला एक बार रोक देता हूँ, रोक दिया। नेक्स्ट टाइम फिर वो मुझे बोला, और मैं उस टाइम अगर मैं उसको मना कर दूं तो बंदा क्या बोलेगा पता है, हाँ मैं जान गया सोनू राजपूत को जान गया, हो गया, समझे बात को, मतलब कहने का मतलब यार मेरे ऊपर इतना प्रेशर रहता है, और कुछ बंदे सिर्फ अपना ही सोचते हैं। जितने भी मैं उन तमाम फ्रेंड को ये कहना चाहता हूँ जो सिर्फ ये समझते हैं कि वही बेस्ट हैं, उनसे बस इतना ही कहना है मुझे कि यार 2 सेकंड के लिए ये सोचो कि जो बंदा हमेशा सपोर्ट करता हो कभी उसका नाम ना आया हो, ऐसा भी तो फ्रेंड होंगे ना, 3 लाख तो ऐड नहीं हुए होंगे फ्रेंड लिस्ट पे, कई बंदे तो लगभग आज तक कभी ऐड नहीं हुए होंगे, उनको मैं प्राथमिकता दे रहा हूँ। कई लोग अभी फ्रेंड लिस्ट देख रहे होगे तो बोल रहे होगे भैया म्यूचुअल नहीं बढ़ रहा है, मतलब ऐड नहीं कर रहे हो, मैं ऐड कर रहा हूँ, जिसका 2 म्यूचुअल है उसको ऐड कर रहा हूँ, किसी का 15 म्यूचुअल है उसको ऐड कर रहा हूँ, क्यों,
इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार इस फैमिली में जितनी हक बेस सपोर्टर की है उतनी हक उनकी भी है जो आज तक कभी ऐड नहीं हुए हैं, उनकी भी उतनी ही हक है। कहने का मतलब ये है। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि जो जो फ्रेंड अपने में मतलब उनको लगता है कि आप ही हो सब कुछ, आप ही करता धरता सब आप ही हो, आप ही बेस्ट हो, तो आप लोगों को बस यही बोलूँगा कि आप गलत सोच रहे हो। बेस्ट तो सोनू राजपूत खुद भी नहीं है, बेस्ट तो वो हैं जो कि रेगुलर 2 घंटा टाइम देते हैं अपना इस फैमिली को, 2 घंटा टाइम देते हैं, वो ऐड हुए हैं नहीं हुए हैं ये सब ख्याल छोड़ के 2 घंटा प्यार से सपोर्ट देते हैं अपना, वो बेस्ट है। और मैं बस इतना ही करता, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, 2-4 बंदे को मैं देखा अभी कि 2-4 बंदे अच्छे सपोर्टर थे, मैं भैया मैं फैमिली से जा रहा हूँ, फिर वो पहुँच गए दूसरे के टाइम लाइन। तो कहने का मतलब ये है कि 2-4 जो बंदे हैं महान महान, उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सोनू राजपूत आपके लिए बर्बाद हो गए, दुनिया से अकेले मतलब इतने सारे किंग से टक्कर लिया, सब कुछ किया आप लोगों के लिए, और आप हो कि मतलब आप मेरे नहीं हुए तो आप किसी के क्या हो गए, बस यही कहना चाहता हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। और जो न्यू जो सपोर्टर आ रहे हैं आप सभी का वेलकम है, आप अच्छे से सपोर्ट दीजिए क्योंकि स्पेस भरपूर है उनकी जगह आपको। और ये देखो यार लाइफ में कई लोगों को मैं डायरेक्ट क्लियर बात बता दे रहा हूँ, लाइफ में फ्रेंड लिस्ट पे कई बंदे आते हैं कई बंदे जाते हैं हमेशा, मतलब कई बेस्ट आते हैं बेस्ट रहते हैं लेकिन बेस्ट वो नहीं रह जाते हैं और वो चले जाते हैं, वो हटते हैं या मैं खुद हटा देता हूँ, दोनों में फर्क नहीं है सेम ही है। सामने वाला बंदा सेल्फिश हो गया तो बंदा को मैं हटा देता हूँ, और हो सकता है सामने वाले बंदे को ये समझ में ना आए कि सब कुछ भैया आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, वो बंदा खुद निकल लेता है। कहने का मतलब ये है। तो चलिए अब कहना बस इतने कहना है कि अच्छे से दिल से सपोर्ट दीजिए, मुझे नहीं देना है, अगर ये रहता कि सोनू राजपूत खुद के लिए सपोर्ट मांग रहा है कि आप मेरे पे डीपी कमेंट ब्लॉक करो, ये करो वो करो ऐसा करो, तब समझ में आता, सिर्फ आपको अपने लिए करना है। और लाइफ में रियली बताऊं, अगर मैं जिस दिन फेसबुक से चला गया, फेसबुक छोड़ दिया, उस दिन जितने फेसबुक यूजर है ना सब बर्बाद हो जाएंगे, वो किसके पीछे भागेंगे, किसके पीछे जाएंगे, इसके पीछे जाएंगे वो लूटेगा, उसके पीछे जाएंगे वो लूटेगा, और लाइफ में कभी कुछ सक्सेस नहीं होगे, कोई सक्सेस नहीं होगे। जो मैं आज कर दे रहा हूँ ना यार, खुद सोचो जिसका कभी 2000 फॉलोअर थे आज उनके 20,000 हैं, जिनके 5,000 थे आज 50,000 हैं, जिनको कोई नहीं जानता सो उसको सब जानते हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हो जाते हैं कि जो उनको लगता है कि नहीं सिर्फ वही है बाकी कोई नहीं है। और मतलब कहने का मतलब मैं रात दिन 24 घंटा लगा हुआ हूँ, मैं यार किनके लिए कर रहा हूँ यार इतना मेहनत, उनके लिए क्या जो सिर्फ अपना ही सोचते हैं? तो अपना मत सोचो, दूसरे का सोचो, लाइफ में तभी आगे बढ़ोगे। अगर मैं मात्र अपना ही सोचता ना तो मैं आपको शुरू में बताया था कि मुझे ऑफर मिला था, मुझे शुरू में ही ऑफर मिले थे जब मेरे 94-95 हज़ार फॉलोअर थे कि सोनू राजपूत तू टाइमलाइन बंद कर दे यार, तू पैसा ले ले 10 लाख रुपया रख ले, तू अपना टाइमलाइन बंद कर दे, ऑफर मिला था, मैं क्यों छोड़ दिया, क्यों अकेले भिड़ गया यार सबसे, आप लोगों के लिए ना। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं ना जो सिर्फ अपना ही सोच रहे, कसम से इतना मतलब उनको देख के मेरे को ये बुरा लगता है ना कि मैं इनके लिए कर रहा था यार, इतने दिन से सब कुछ इनके लिए मैं सह रहा था, ज्यादा नहीं है यार, मुश्किल से 5 से 10 बंदे होंगे ऐसे बंदे जो सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। मैं उनको ये नहीं कहना चाहता कि आप रुको, आपकी मर्जी है यार, सोनू राजपूत वन वे है, सोनू राजपूत का कभी कोई क्लोज नहीं है, जो अच्छा सपोर्ट करता है एक दूसरे की हेल्प करता है, मैं मात्र माध्यम में मैं उसको सामने पब्लिक के सामने ला सकता हूँ बस, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके अलावा कई बस एक लाइन में बस इतना ही बोलूंगा, आई लव यू ऑल फ्रेंड जो दिल से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बस, और कुछ नहीं कहना मुझे, थैंक्स टू वॉच लव यू, चलो दिल खोल के सपोर्ट करते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, कुछ फ्रेंड को लगता होगा कि भैया मुझे अनफ्रेंड किया उसे अनफ्रेंड नहीं किया, तो यार
अपने में ही क्यों खोया हुआ है कि मुझे अनफ्रेंड किए, उसे अनफ्रेंड नहीं किए। हो सकता है वो अकाउंट डीएक्टिवेट करके रखा हो था टाइम। मैं तो बिलासपुर में था, तो बिलासपुर में डीएक्टिवेट कंप्यूटर तो है नहीं सॉफ्टवेयर मेरे पास कि वहां से हटा देता, ये भी हो सकता है। लेकिन नहीं, मतलब जलने वाले कसम, मैं सबको ये सिखा रहा था यार कि दुश्मनों को जलाओ, खुद में जलोगे तुम लोग गजब का एकदम बेवकूफ वाला काम कर देते हो। मतलब यार खुद में क्यों जलना है यार, आपस में क्यों जलना बताओ। मतलब कहने का मतलब, अगर इस बंदे का 2000 है, आपका 2001 है, तो जलने चालू हो जाओगे क्या? 2001 फॉलोअर है आपका तो। मतलब यार फैमिली में प्यार होनी चाहिए, जलन या सेल्फिश की भावना नहीं। और ये सेल्फिश और जलन की भावना और सिर्फ अपना ही सोचने वाला, अगर जिस दिन भी फैमिली में सब कोई हो गए, उस दिन कसम से मैं फेसबुक छोड़ दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ना फॉलोअर मतलब है मुझे, ना लाइक से मतलब है, ना कुछ किसी चीज से, मुझे प्यार ही नहीं है फेसबुक से। मुझे बस यही चाहिए कि जो मतलब मैं जो कदम उठाया हूँ सबको आगे बढ़ाने का, बस उसमें मुझे जाना है, बस इसलिए रुका हूँ। तो जिस दिन मुझे सब दिखेगी यार सेल्फी से, सब सेल्फी से अपना ही सोचते हैं, उस दिन मैं समझ जाऊंगा फेसबुक मेरा लायक नहीं है। मुझे आज एक बात याद आ गया, एक किंग ने मुझे बात बोला था, फेसबुक किंग एक, उन्होंने मुझे एक बात बोला था, बोला था सोनू तू किसके लिए कर रहा है सब। तो मैंने बोला था कि यार मैं उन फ्रेंडों के लिए कर रहा हूँ जो मेरे जैसे हैं। तो उसने क्या बोला, मत कर, कोई मतलब नहीं है, इनको तू कितनों बेनिफिट दे, कितनों मेहनत कर इनके लिए, इनको ये सब रास नहीं आएगा, इनको बस यही समझ में आएगा कि किसी का रिफरेंस है, कुत्ते की तरह दौड़ो पीछे पीछे और दो चार ठो टैग मिल जाएगा, लाइक मिल गया ऑटो लाइक के बराबर, लाइक मेंशन मार के ले लिए बस। बाकी कोई जाने ना जाने, पब्लिक में कोई पहचान हो ना हो, कोई मतलब नहीं है, तो क्यों इनके पीछे इतना मेहनत कर रहा है। तो ये बात आज मैं मुझे फील हुआ कुछ, मात्र 4-5 फ्रेंड की वजह से यार, 4-5 फ्रेंड। आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि भैया 4-5 फ्रेंड की वजह से आप ऐसा क्यों? यार देखो, मेरे लिए 40 फ्रेंड हो या 400 फ्रेंड हो या 4000 फ्रेंड हो या सिर्फ 4 फ्रेंड, आखिर फ्रेंड मानता हूं ना, फैमिली मानता हूं, इतनी बड़ी जो फैमिली बनाया हूं इसको फैमिली मानता हूं। और मैं यहां नहीं चाहता कि एक भी बंदा कभी सैड हो, इसलिए बाकी कोई ऐसा नहीं है, नहीं तो वैसे 4000 भी जाएंगे तो और 4000 आएंगे तो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चार जो फ्रेंड है उनकी वजह से आज मुझे हर्ट हुआ। थैंक्स टू वॉच, लव यू, कीप सपोर्ट, अच्छे से चलो सपोर्ट करो। और कल या परसों से मैं फ्रेंड लिस्ट अपना ओपन कर दूंगा ताकि आप लोग देख लो अच्छे से, और क्या बोलते हैं, कल या परसों से कर दूंगा फ्रेंड लिस्ट ओपन। और अभी एक बात और, कई फ्रेंड को ये बोलना चाहूंगा कि यार ये जो मिनी रिप्लेस किए थे, कुछ फ्रेंड हटाए थे, इसलिए हटाया गया था, आप लोग खुद देख रहे होगा टाइमलाइन में देख रहे होगे आप लोग। पहले क्या था, मैंने तो 5000 फुल किया था, विश्वास कर करके एक एक बंदे के पोस्ट से ऐड करते गया, सबको ऐड किया, 5000 पूरा फुल कर दिया। फिर क्या हुआ, जो बेस्ट खुद को मानते हैं वो कहाँ गए, उनका सपोर्ट क्यों कम हो गया, फॉलोअर मतलब 200 लाइक क्यों आ रहे थे, 150-200 लाइक क्यों आ रहे थे, अभी क्यों 400 आ रहे। बस इसीलिए किया था। और लगभग जो बेस्ट थे, अच्छे सपोर्टर थे, वापस ऐड भी हो चुके, लेकिन ऐड हुए बंदे, चार जो फ्रेंड है ऐड हुए, उनकी बात बहुत बहुत बुरी लगी मुझे, बात कुछ बोले ही नहीं ना, कम से कम एक बार बोले तो होते कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम है। अरे मतलब कहने का मतलब है मेरी आईडी पासवर्ड ले लो आप लोग कुछ चलाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, ऐसा बंदा हूं, लेकिन कम से कम किसी को सपोर्ट दो तो दिल से दो। थैंक्स टू वॉच, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। एंड पोस्ट वाला कुछ टाइम लगेगा यार, इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि मुझे अभी 3-4 न्यू खबरें रखना है, एसआर टीम छुट्टी पे गई, उनको निकाल दिया हूँ, और 3-4 बंदे मैं खुद कलेक्ट कर लूंगा, नहीं तो फिर हो गया सोनू राज को तो ऐसे भी 24 घंटे जगते आता है, मैं ही मेहनत कर लूंगा, अकेले ही मैं छाटूंगा, अकेले ही सब कुछ करूंगा 24 घंटे ऑनलाइन, आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पता है ना। थैंक्स टू वॉच, लव यू।